हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी मैं एक्चुअली सुबह मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट करूंगी सोची, फिर भूल गई। फिर कुछ दिन हुआ ब्लॉग नहीं की थी ना, इसीलिए थोड़ा आदत चला गया है। और अभी डीमार्ट जाके आई, फिर चिकन लेके आके अभी चिकन करी जस्ट कुकर में चढ़ा दी हूँ। वो चिकन करी हो रहा है, होने के बाद मैं खाऊंगी, फिर थोड़ा रेस्ट करके फिर 3 बजे हम लोग नीचे जाएंगे सटल खेलने के लिए। फिर उस टाइम मैं आपके साथ मिलती हूँ। चलो मैं दिखाती हूँ मेरा चिकन करी कैसे बना है आज। देखिए फ्रेंड्स, मेरा चिकन करी ओडिशा स्टाइल चिकन करी बन के रेडी हो गया है। अभी मैं गरम गरम राइस के साथ खाऊंगी चिकन और उसमें आलू डाल के बनाई हूँ। मुझे ऐसे थोड़ा ग्रेवी करके खाना था, इसलिए मैं ऐसे बनाई। तो चलिए खाने के बाद मैं मिलती हूँ आपके साथ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और अभी मैं खेल के आ गई हूँ ऊपर और मैं अभी बनाऊँगी, 6:30 हो रहा है टाइम। अभी मैं बनाऊँगी चपाती और ब्रिंजल आलू का फ्राई बनाऊँगी। आज से मैं थोड़ा डाइटिंग स्टार्ट कर दी हूँ, देखते हैं कितना दिन तक चलता है। मेरे से तो वो सब नहीं होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ जितना दिन कर पाऊँगी, 1 या 2 दिन भी देखूँगी। अगर कर पाऊँगी तो अच्छा है, नहीं तो ये सही। और क्या बोलूँगी, मेरे से तो नहीं होता है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो चलिए फिर चपाती और मैं ब्रिंजल फ्राई बनाने जा रही हूँ। आपको मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे वो फ्राई बनाती हूँ। आप हंस क्यों रहे हो? शेर कभी भूखा रह सकता है क्या? शेर कभी भूखा रह सकता है? आप जवाब दो। बोले पार्टी करेगी एक दिन, मैक्स एक दिन भी नहीं, आधा दिन, देखते हैं। ठीक है ना, देख लेंगे मैं कितना दिन करती हूँ। तो चलिए गाइस, मैं थोड़ा खाना बनाती हूँ, फिर बनाने का टाइम मैं आपके साथ मिलती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मैं और दिखाना भूल गई। बस ये सिंपल सा थोड़ा ऑयल में थोड़ा ऑनियन डाल के थोड़ा वो
बॉईल होने तक फ्राई की ऑनियन को, फिर बस ये आलू और ये ब्रिंजल को मैं डाल दी, फिर थोड़ा सॉल्ट डाल के पूरा बॉईल होने तक, 80% बॉईल होने तक मैं खाली नमक से ही वैसे फ्राई की। फिर 80% कुक होने के बाद मैं उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा मिर्ची पाउडर और थोड़ा धनिया पाउडर और थोड़ा सा चिकन मसाला बस डालती हूँ। इसमें मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बस ऐसे ही बहुत टेस्टी रहता है, आप ऐसा ट्राई कर सकते हो। सॉरी, नेक्स्ट टाइम अगर कभी बनाऊँगी तो फुल रेसिपी मैं शेयर करूँगी। तो अभी और एक 2-3 मिनट में ये हो जाएगा मेरा ब्रिंजल और पोटैटो का फ्राई। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का डिनर, ब्रिंजल, आलू का फ्राई एंड चपाती, 3 चपाती और ब्रिंजल आलू का फ्राई। फिर इसके बाद मैं एक ड्रिंक पीऊँगी, वो भी आपको मैं दिखाऊँगी, वो नाइट ड्रिंक। तो चलिए, मैं खाने के बाद मिलती हूँ आपके साथ। तो ये नाइट ड्रिंक है मेरा, ये मैं बना रही हूँ अभी। तो इसके लिए मैं 1.5 ग्लास वाटर ली हूँ। आप जितना पियोगे तो उतना आप बना सकते हो, नहीं तो आप बना के इसको रख सकते हैं मॉर्निंग के लिए भी, लेकिन मैं अभी खाली मैं नाइट के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी 2 तेज़पत्ता, 3 डाल रही हूँ, 3 तेज़पत्ता। नेक्स्ट, और 1.5 स्पून सौंफ, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ऐसे वो क्या बोलते हैं वो दाना वाला भी डाल सकते हैं, गोटा वाला, मेरे पास वो नहीं था इसलिए मैं ये सब वगैरह डाल रही हूँ, और 3-4 लौंग। ओके, और इसमें आप दालचीनी भी डाल सकते हो, लेकिन आज मेरे पास नहीं था तो मैंने डाली, कल से मैं उसमें डाल के वो वैसे पीऊंगी। तो चलिए इसको, तो इसको क्या करना है, अभी उबालना है इसको, इसको अभी पूरा बॉईल करना है। अभी 1.5 ग्लास का पानी डाली ना, वो 1 ग्लास होने तक इसको बॉईल करना है। दिखाती हूँ मैं आपको इसको ठंडा करके पीना, नहीं गरम गरम पीना है, ज्यादा भी गरम नहीं, जैसे कि आप पी सकते हो इतना गरम। ओके, तो इसको आप दिन में 2-3 बार पी सकते हो, जैसे कि लंच के बाद, एक आधा घंटा के बाद आप इसको पी सकते हो, और डिनर के आधा घंटा के बाद आप इसको पी सकते हो। ये बहुत अच्छा है, वेट लॉस भी होता है और डाइजेशन भी अच्छा होता है, जिसको गैस का प्रॉब्लम है वो सब वो ठीक कर देता है। ओके, और कुछ हेल्थ बेनिफिट? और उतना तो मुझे पता नहीं, मैं भी देख के ही बना रही हूँ। ओके, तो देखते हैं ये कैसा काम करता है। डिटॉक्सिफाई भी करता है बॉडी को, जैसे हाँ, तो ये बड़ा वर्ड है वो, तो आप लोग भी ट्राई कीजिए घर पे। इसमें जीरा भी डाला था? हाँ, जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा भी डाल सकते हैं, जीरा भी पता है, मैंने सुना था कि जीरा भी बहुत अच्छा है। ये चाय जैसे ही दिखता है, जो लोग चाय नहीं पीते हैं इसको बना के पी सकते हैं। ओके, सो ये एक हेल्थ ड्रिंक हो गया, आई थिंक सो, वेट लॉस के लिए भी, हाँ, गुड डाइजेशन के लिए भी। तो ये हो गया ऑलमोस्ट नहीं हो गया, तो अभी मैं इसको बंद कर दूंगी और थोड़ा ठंडा होने तक वेट करूंगी, फिर हम छाननी में ऐसे इसको छान के पिएंगे। ओके, ये तेज पत्ता सब मैं अभी निकाल दे रही हूँ। तो बन के रेडी हो गया, थोड़ा कूल भी हो गया, तो पी लो छान के। Nice color. Mm.
देखिए मैं 1.5 glass का की थी ना, तो ये थोड़ा सा ही बच गया है। मुझे दे दे, मैं पी लूंगा। तो उतना टाइम आपको बॉईल करना है। क्लासिक कलर बन के रेडी। देखिए मेरा नाइट ड्रिंक, अभी मैं इसको पी रही हूँ। थोड़ा स्पाइसी भी है, काढ़ा जैसे। तो चलिए गाइस, मैं आज का ब्लॉग यहाँ पे एंड कर रही हूँ। मैं बस इसको पी के अभी सो जाऊंगी, फिर कल मॉर्निंग उठ के फिर आपके साथ में मिलती हूँ। तो प्लीज वॉच माई ऑल वीडियोस एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जो पास में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए कि आपको मेरा वीडियो मिल सके। तो चलिए, बाय बाय, सी यू टुमारो।